सो वेल माय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब के बारे में ना, जिस किताब ने मेरे ज़िंदगी पे बहुत सारे चेंजेस लाए। और आज की इस वीडियो में मैं इस किताब के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को मैं आप सभी लोगों के सामने हाईलाइट्स करने वाला हूँ। और इस किताब का नाम है द एटॉमिक हैबिट्स, और आप भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी किताब है। और सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस किताब में दिया गया है ना, वो आपको किताब के कवर पेज पर मिल जाएगा, जिस पे लिखा हुआ है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स ना। और इस पॉइंट्स को मैं आपको समझाने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे एग्जांपल लेने वाला हूँ, और ये कहानी है ब्रिटेन की जो साइकिलिंग टीम है टीम थे ना उसके बारे में है। जो ब्रिटेन की जो साइकिलिंग टीम थे वो मेहनत तो बहुत करते थे ना, लेकिन जैसे मेजर गेम्स हो गया, जैसे ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, इस प्रकार के जो गेम्स पे ना वो मेडल्स नहीं ला पा रहे थे, रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे थे। तो उसी के चलते जो ब्रिटेन की टीम थे कौन कौन से ऐसे चेंजेस किए ना, जिसके चलते जो ब्रिटेन की टीम थे ना वर्ल्ड का बेस्ट टीम बन गया था। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चेंजेस उन्होंने क्या किया, जो प्लेयर के सूट्स था ना उसको उन्होंने चेंज किया, उस पर उन्होंने इलेक्ट्रो हीटेड सिस्टम वाला सूट्स किया, जिसके चलते जो प्लेयर्स के बॉडी टेम्परेचर और सूट्स का बॉडी टेम्परेचर बने रहे, और साथ ही साथ जो साइकिल का जो सीट्स था ना उसको मोर कम्फर्टेबल किया, और प्लेयर के जो मसाज के जेल था जो वो अप्लाई करते थे उसको अच्छे वाला मसाज के जेल उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, जिसके चलते जो प्लेयर्स के जो मसल्स थे उसमें फटाफट उसको रिलीफ मिले, और साथ ही साथ जो प्लेयर्स के हाइजीन था उसको उन्होंने बहुत ध्यान दिया, ताकि प्लेयर्स उनको कोल ना पकड़े, बीमार ना हो, ताकि उसका जो ट्रेनिंग है वो मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ जो प्लेयर्स के जो बेड थे ना, जैसे उसका मैट्रेस पिल्लो, इसमें भी उसको बहुत कम्फर्टेबल किया, ताकि जो प्लेयर्स का ना स्लीप जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो अच्छी प्रकार से बने रहे। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस के कारण ना जो ब्रिटेन की जो टीम थी ना वर्ल्ड का बेस्ट टीम बन गया था। तो इस पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी पे भी ना इस प्रकार के जो छोटे छोटे चेंजेस बहुत मायने रखता है, आप उसे काइंडली इग्नोर मत कीजिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस किताब में दिया गया है ना वो है डोंट फोकस ऑन गोल्स ना, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। तो इस पॉइंट को मैं समझाने के लिए मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि जो विनर्स और लूजर्स होते हैं ना सभी लोगों का एक ही मकसद होता है। उसका मकसद क्या होता है कि ज़िंदगी भी उस जीतना होता है, मगर जो विनर्स होते हैं ना वो क्या चीज़ ऐसे दूसरा चीज़ करता है ना जिसके चलते जो विनर्स लगातार जीतते रहते हैं ना। वैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, रोनाल्डो मेसी और नेमर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो मेसी और रोनाल्डो है ना वो बार बार बैलन डी'ओर जीतते रहते, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर, इंटरनेशनल कप, यूएफए कप, ये सब जीतते रहते हैं। वही आप नेमर को देख लीजिए, जिसको ऊपर ना बहुत सारे लोगों का उम्मीद था कि ये भी आदमी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनेगा, मेसी और रोनाल्डो को कम्पीट करेगा, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलफुल आदमी था, बहुत ही अच्छा प्लेयर था, मगर वो चीज़ उससे क्यों नहीं हो पाया जो रोनाल्डो और मेसी कर पा रहा है, क्योंकि जो रोनाल्डो और मेसी है वो सिस्टम पर फोकस करते हैं। जैसे उसे कभी वेकेशन मिलता है दोनों, वो क्या करते हैं वेकेशन पर भी वो जाके घर पर ट्रेन करते हैं, रोनाल्डो सुबह शाम ट्रेन करते हैं, अल्कोहल से दूर रहते हैं, सिगरेट से दूर रहते हैं, और साथ ही साथ रोनाल्डो तो कोल्ड ड्रिंक्स तक भी नहीं छोड़ता, डाइट भी एक प्रॉपर मेंटेन करता है, क्योंकि एथलीट का ज़िंदगी क्या होता है, अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, अपने शरीर को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ट्रेनिंग करते रहना है। तो वो सब सिस्टम है एक एथलीट बनने के लिए, एक फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए। वही आप नेमर को देख लीजिए, उसे जैसे वेकेशन मिलता है वो क्या करता है, फ्री टाइम मिलता है क्या करता है, लड़की का धंधा, पार्टी करते हैं, दारू पी पी के घूमते हैं, डाइट पे फोकस नहीं है उनका, तो जिसके चलते उसके करियर पे इतने सारे इंजरी होते रहते हैं, वो खेल भी नहीं पाता। अभी जहाँ रोनाल्डो 39 की उम्र पे 900 गोल्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, वही नेमार अभी 33-34 के एज पे, जहाँ पे रोनाल्डो रियल मेड्रिड का पिक था रियल मेड्रिड बहुत समय, वही उम्र पर वो अभी कहाँ अरबियन लीग में चला, सऊदी अरबियन लीग में चला गया, वहाँ पर भी इंजुरी होकर बैठा हुआ, तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट उसका करियर। क्योंकि रोनाल्डो और मेसी को क्या पता है कि अगर वो सिस्टम पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका गोल्स है ना वो अचीव भी हो जाएंगे। वैसे अगर आपका भी कुछ ड्रीम है या गोल है उसको अगर आपको अचीव करना है ना, तो गोल्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आपका जो सिस्टम्स है ना उस गोल्स को अचीव करने के लिए उस सिस्टम को परफेक्ट कीजिए ना, जिसके चलते आपको गोल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपसे अचीव हो जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस किताब में दिया गया है वो है हाउ टू डेवलप ए गुड हैबिट ना। और अगर आपको गुड हैबिट डेवलप करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है मेक इट ओवियस। मेक इट ओवियस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप
किताब लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए कि इस आवर पे मैं ये करूँगा, इस आवर पे मैं ये करूँगा, और उसे काइंडली फॉलो भी कीजिए। और दूसरा क्या है, आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत अनहेल्दी फूड्स खाने का है, जंक फूड खाने का, चिप्स ये सब, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपकी ज़्यादा नज़र पड़ता है ना, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, आपका बेडरूम हो गया, वहाँ पे आप क्या रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए, फ्रूट्स रखिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो जैसे कभी आपको कुछ खाने का मन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उस पर जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जब आपके पेट भर लेंगे तो आपको जंक फूड्स खाने का मन नहीं करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो है मेक इट अट्रैक्टिव। तो अगर आपको आपकी ज़िंदगी पे अच्छी आदत डालना है तो उसे अट्रैक्टिव भी बनाना पड़ेगा। जैसे आप बहुत मोटा हो गया ना, तो आपको अपने वेट लूज करना है, तो आप कभी मोटिवेट होकर वीडियो देख के, कभी मोटिवेट होकर आप घर पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, स्कीपिंग ये सब क्या क्या, रनिंग वो सब। तो जब तक आपका मोटिवेशन रखे तब तक आपको करने का मन करेगा। तो इसे एक्टिविटी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कल्चर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जिम ज्वाइन कर सकते हैं, फुटबॉल टीम ज्वाइन कर सकते हैं, साइकिलिंग टीम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, जहाँ पे आप करते वक्त, आपको ट्रेनिंग करते वक्त आपको बहुत अच्छे फील होंगे, वहाँ पे आप हंसी मजाक करेंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये आदत, जो वेट लूज करने का आदत, बहुत अट्रेक्टिव बन जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेक इट ईजी। जैसे आपको किताब पढ़ने का आदत डालना है ना, तो शुरुआत में भी आज जाके डायरेक्ट एक किताब खत्म करने का कोशिश मत कीजिए। शुरुआत आप क्या कीजिए, एक पेज से शुरू कीजिए, दो पेज दूसरा दिन शुरू कीजिए, लगातार तीन पेज, चार पेज, इस प्रकार से आप धीरे धीरे बढ़ाइए पेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू हैव टू मेक इट ईजी ना, जिसके चलते आपका हैबिट फॉर्मेशन पे आपका ईजी हो जाए। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मेक इट सेटिस्फाइंग ना। जैसे आप कोई अच्छी आदत कर लेते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए ना, या ट्रैक रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि जो रिजल्ट्स आपका जब रिकॉर्ड में रहता है तो आपको भी अलग से सेटिस्फाइंग मिलता है। या कुछ आप अगर जिम विम करके आते हो, अपने आप को प्रोटीन शेक या अच्छे अच्छे फ्रूट्स खा के रिवॉर्ड कीजिए। और वैसे अगर आपको आपकी ज़िंदगी से जो फालतू हैबिट्स ना दूर करना है ना, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मेक इट इनविजिबल। जैसे आपको सुबह उठते फ़ोन देखने का आदत है, तो रात को सोने से पहले आप फ़ोन को ना क्या कीजिए, अपने सामने से गायब ही कर दीजिए, कहीं दूसरे रूम पे रख दीजिए, जहाँ पे आपको सुबह उठ के जाना बहुत लेजी लगेगा। तो ऑटोमेटिकली आप सुबह उठते ही आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा, तो फोन सामने नहीं दिखेगा। तो धीरे धीरे ऐसे करते रहने से आपका ये आदत भी छूट जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेक इट अनअट्रैक्टिव। जहाँ आपको अच्छी आदत डालने के लिए आपको अट्रैक्टिव बनाना था, वही आपको बुरी आदत आपकी ज़िंदगी से दूर कर अनअट्रैक्टिव बनाए। जैसे आप जो कल्चर होते हैं उस कल्चर से बाहर निकले, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकर्स से दूर रहिए, अल्कोहल ज़्यादा पीते तो अल्कोहल पार्टी से दूर रहिए। तो इस प्रकार से जो आदत को अनअट्रैक्टिव बनाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेक इट डिफ़िकल्ट। जहाँ आपको ईजी करना है इसे डिफ़िकल्ट कीजिए। जैसे आपको बहुत टीवी देखने का आदत है ना, जैसे आप टीवी देख लेते हैं कभी भी, तो साथ ही साथ क्या कीजिए, टीवी के जो प्लग है उसे निकाल के रखिए, जो रिमोट को निकाल के रखिए, रिमोट को अलग जगह रखिए, बैटरी निकाल के रखिए। ऐसे प्रकार से जब अगर भी आपको टीवी देखने का मन करेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली जब आपको रिमोट ढूंढना पड़ेगा, बैटरी लगाना पड़ेगा, प्लग लगाना पड़ेगा, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो सब चीज़ आपको करने का मन नहीं करेगा। और लास्टली जो है, मेक इट अनसेटिस्फाइंग ना। जैसे आप कोई बुरी आदत अगर आप रिपीट करते हैं ना, तो आपका अपने आप को वो कीजिए, पनिश कीजिए, कोई आपके पार्टनर रखिए जो आपको ट्रैक कर सके। जैसे आप कहीं कुछ बुरी आदत करते हैं तो आपको जैसे पेनल्टी देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा अपने पार्टनर को। अगर आपके पार्टनर भी कोई बुरी आदत रिपीट करता है तो वो आपको फाइन देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप एक वो बना लीजिए, फॉर्म बना लीजिए दोनों आपस में। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अपने आप को पनिश भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने आपको थोड़ा हार्म पंच कीजिए, ये कीजिए, पेन कीजिए, पेन दिलाइए, ताकि अनसेटिस्फाइंग करिए उसे। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस किताब में दिया गया है वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में। जैसे जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ना, वो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जैसे आप सिगरेट पीते हैं, आपको उसी मोमेंट पे आपको शांति मिलता है ना, तो आप इसे रिपीट करते थे, रिपीट करते लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपके लंग्स पे कैंसर चढ़ जाएंगे। वैसे अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा हाईनेस आता है, तो आपको अच्छे लगता है, फिर अच्छा फील होने लगता है। तो अगर वैसे आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आपके क्या है, लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। वैसे आप ड्रग्स जब लेते हैं उससे तो और डोपामिन सर्च होता है, आपको बहुत शांति मिलता है ना कुछ मोमेंट के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हानिकारक होता है, आपके शरीर को पूरा बर्बाद कर देता है। वही आप डिलीट ग्रेटिफिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आप स्मोकिंग ये सब छोड़ते हैं, शुरुआत में तो आपको बहुत तकलीफ लगेगा, वो आपको डोपामिन जो सर्च होता है वो ढूंढते रहेगा, लेकिन जैसे आप उसे
जो उस आदत को छोड़ने के लिए आप इसे स्ट्रगल को करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 3-4 महीने के बाद जो आपको वो मिलेगा, रिवर्ट मिलेगा ना, जो आपका शरीर पे आपको वो मिलेगा, सेटिस्फाइंग मिलेगा, वो आपको कहीं से सेटिस्फाई मिलने वाला नहीं। वैसे अगर आपको जिम ज्वाइन करते हैं ना, जिम के शुरुआत के जो महीने पे 2-3 महीने पे आपको कुछ रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल अनसेटिस्फाइंग लगेगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड जाते रहेगा, 6 महीना 5 महीना, वैसे आपका शरीर पे चेंजेस देखने को मिलेगा, बल्किनेस देखने को मिलेगा, मसल ग्रोथ होने लगेगा। तो जब वो सब चीज़ आपको हासिल होगा, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना आपको, वो सेटिस्फेक्शन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो यही है डिलीट ग्रेटिफिकेशन का पावर। और इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।